सम्मानित मेरे प्रिय साथियों, क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों, बहुत ही दुखद घटनाएं इस देश में हो रही हैं और इन घटनाओं को देख देख करके, सुन सुन के हमारा कलेजा जो है वो बाहर आ जाता है। अब क्या बताएं आपको, ये जातिवाद का दर्द कैसे बताएं आपको, ये जातिवाद का दर्द कैसे बताएं आपको। आप अपना हाथ तो बढ़ाएं ताकि हम नबज देखकर इलाज तो बताएं कि साथियों, इस जातिवाद का दर्द हम आपको कैसे बताएं। कम से कम अपना हाथ तो बढ़ाइए ताकि नबज देख करके हम कम से कम इलाज तो बताएं। हाथ तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा ना। और आज दिन भर में मैं क्या कहूं, कल की भी बात है, आज की भी बात है, कई ऐसी घटनाएं सामने आ गई। आज दिन में मैंने 3 दफा लाइव दिया था और ये लाइव 3 बार करप्ट हो गया। अब मुझे शाम को लाइव देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देखिए मेरे से रुका नहीं जाता है। ये एक माध्यम है सोशल मीडिया का, जो मेरी आवाज आप तक पहुंच पाती है। नहीं तो आपको पता है, ये गोदी मीडिया, ये मनुवादी मीडिया हम जैसे लोगों को कहां तवज्जो देते हैं। खुद मान्यवर साहब कासीराम जी ने कहा था कि जो ये मीडिया है ना, इसके ऊपर भरोसा करके मत चलना, ये मीडिया बड़ी धोखेबाज है। अब जो घटना हमारे सामने आई, सबसे पहली घटना जिससे हमारा कलेजा जो है वो छलनी हो गया, हमारा सीना जो है वो छलनी हो गया, हमें लगा कि हम कहां जी रहे हैं, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं भाई। इस देश में आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, मनुवादियों से तो आज भी आजादी नहीं मिली है। आज भी हम लोगों की वोटों पर ये मनुवादी राज करते हैं। आज भी हम लोगों की मेहनत से इन मनुवादियों का पेट पलता है, हमारी मेहनत से। अगर हम मेहनत ना करें तो ये मनुवादी भूखे मर जाए, भूखे। आप सोच के देखें कि अगर हम मेहनत ना करें, क्योंकि भाई देखो, जिंदगी में 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3 चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की मैं बात करूं तो रोटी के लिए आता है अन्न, यानी कि गेहूं, चावल, आटा, दाल। अब आप एक बात बताएं, इन मनुवादी जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, ये मनुवादी लोग इनके खेतों में जाकर के हमारे लोग काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? उनको हम कहते हैं भूमिहीन किसान, जो इन मनुवादियों के खेतों में जाके काम करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए मनुवादी की कोई जाति नहीं होती, मनुवादी अपने आप को सारे ही लोग, सामान्य वर्ग के लोग अपने आप को मनुवादी ना समझे। मनुवादी का मतलब है जो मनु के वाद को मानता है, जो मनु के कुटिल विचारों को मानता है। यानी कि मनु के कुटिल विचार क्या है, औरत पैर की जूती होनी चाहिए, शूद्र गवार ढोल पशुनारी, ये सारे ताड़न के अधिकारी, ये है मनु की विचारधारा। जो दलितों से नफरत करते हैं उन्हें शूद्र बताते हैं, जो महिलाओं को पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं उन लोगों को कहते हैं मनुवादी। मनुवादी किसी भी जाति बिरादरी में हो सकते हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, मनुवादी किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में हो सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं। हम जाति से अंबेडकरवादी नहीं दोस्तों, हम लोग अंबेडकरवादी तब है जब हम एक सच्चे भारतीय हैं। हम लोग अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर साहब के विचारों को मानते हैं और पाखंड को नहीं मानते हैं, इसलिए हम अंबेडकरवादी हैं। अब देखिए आप कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले के टीकमगढ़ के राणासर गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। हमारे 2 मेघवाड़ भाइयों को तड़पा तड़पा कर रात के अंधेरे में मार दिया जाता है, मेघवाड़ भाइयों को। हमारे मेघवाड़ भाई, मेरे मेघवाड़ भाई, मेरा कलेजा पूरा छलनी हो गया भाई ये बात सुन के। जब ये घटना का पता चला ना, मेरे तो रुका नहीं गया और मैंने लाइव दिया,
वो कट गया फेर दिया, वो फेर कट गया और फेर दिया, वो फेर लाइव कट गया। इब मैंने आपके सामने फिर चौथी बार लाइव दिया है। जब ये लाइव आपके तक पहुंच पा रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां मैं नुए नहीं चिल्ला रहा, मैं नुए नहीं गला फाड़ रहा, मैंने कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई नवाब सतपाल तंवर तो कई साल पहले ही पब्लिश हो चुका है, फेमस हो चुका है। मैं फेमस पे नहीं जाता, मैं पब्लिसिटी पे नहीं जाता, क्योंकि आप मेरी ताकत है, आप मेरी ताकत है, आपका प्यार मेरे साथ है ना मेरे भाइयों। आई लव यू यार, मेरी बहनों आई लव यू, मेरे भाइयों आई लव यू, मेरी माताओं आई लव यू, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों आई लव यू, मेरे दोस्तों आई लव यू। बहुत प्यार करते हैं नवाब सतपाल तंवर आपसे, चाहे वो किसी भी धर्म समाज में है, किसी भी जाति में है, जो मानवता को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। और जब जिस वक्त इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझोगे, इस जातिवाद को समाप्त करोगे, खत्म करोगे आप इस जातिवाद को, आप हाथ बढ़ाओ ना। मैंने शुरू में ही आपको बोला कि ये जातिवाद का दर्द मैं खत्म कैसे करूं, इस जातिवाद के दर्द का मैं इलाज कैसे करूं। इलाज तो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब आप अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे, मैं आपकी नब्ज देखूंगा और नब्ज देख के मैं उसका इलाज करूंगा, तभी तो कर पाऊंगा ना। उम्मीद है आपको, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास में बाबा साहब अंबेडकर जी की अनुकंपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, आप लोगों का प्यार मेरे पास है, तो सब कुछ है। यहाँ हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में हमारे दो मेघवाल भाई, मेरे दो मेघवाल भाइयों को जान से मार दिया, उनको जान से मार दिया, गाड़ी से कुचल के मार दिया, टायर तले कुचला गया उनको। आप बताओ भाई क्यों कर जीवेंगे, यो 21वीं सदी है के, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जातिवाद से आजादी नहीं मिली, मनुवाद से आजादी नहीं मिली जब भारत देश आजाद हुआ। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और जाति के कारण, जाति की वजह से रोजाना शोषण होता है, रोजाना अत्याचार होते हैं। हनुमानगढ़ में बहुत भयावह घटना हुई है, इस तरह कुचल दिया, शरीर तय दोनों हाथ अलग हो गए, शरीर तय दोनों पैर अलग हो गए, इतने बुरे तरीके से मारा भाई, अमानवीयता की हद होगी हद। बताओ के करा, चुकर करा भाई, इलाज तो करना पड़ेगा ना, ये जातिवादी कीड़े तो मारने पड़ेंगे ना, जातिवादी कीड़े पूरे भारत ने खोखड़ा कर देंगे खोखड़ा। ये हनुमान की घटना से मैं बहुत आहत हूं। देखो बार बार लोग मुझे कहते हैं सतपाल भाई जी कलम की ताकत, मुझे कलम देना एक बार, उसके अंदर रखिए मेरी कलम देना, पार करके मेरी कलम देना। देखो बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें कलम की ताकत बताई थी। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपको मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कलम की ताकत, लेकिन मैं कहता हूं कलम के साथ साथ आप तलवार की ताकत भी रखो भाई, लठ का जोर भी रखो भाई। जब घर में कोई बढ़ेगा, जब अपराध होवेंगे, तो अपना बचाव करोगे या फिर पैन दिखाओगे, आप बताओ। ये कलम की ताकत बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दी है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें कलम की ताकत दी है, लेकिन अगर लातों के भूत बातों से मान जाते तो पुलिस के हाथ में हथियार थोड़ी ना होते। अगर लातों के भूत बातों से मान जाते पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे, तो भारत की सेना के हाथ में हथियार थोड़ी ना होते, अगर लातों के भूत बातों से मान जाते तो। मान्यवर साहब काशीराम जी की बात पर जाऊंगा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कलम के साथ, यानी कि बैलेट, बैलेट का मतलब है जिस पर हम वोट डालते हैं। अब तो बैलेट नहीं हो गई है, अब तो ईवीएम ला दिए इन्होंने, ईवीएम का राज चल रहा है, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करो, बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी रखो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। फिर भारत का संविधान हमें शस्त्र अधिनियम का अधिकार देता है, शस्त्र अधिनियम में हमें हथियार रखने का लाइसेंस मिलता है, शस्त्र अधिनियम के तहत हम लाइसेंस रख सकते हैं, कानून हमें आज्ञा देता है। बाबा साहब अंबेडकर जी लिख करके गए हैं कि आप हथियार रखो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, तो उस अधिकार का इस्तेमाल करो ना भाई आप।
करो। कलम के साथ साथ माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा है कि बुलेट की भी तैयारी रखो, पूरी बहुत जरूरी है। अब मैं ये हनुमानगढ़ की घटना की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा राजस्थान दलितों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पूरा राजस्थान अशोक गहलोत जी के शासन में, अशोक गहलोत जी की सरकार में पूरा राजस्थान दलितों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। आखिर कब रुकेगा ये सब? नीली क्रांति होगी, नीली महाक्रांति होगी, कोई नहीं रोक सकता, अब होकर के रहेगी। और इस नीली महाक्रांति का हिस्सा आप सारे साथी बढ़ेंगे। अगली जो घटना हुई गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, मैं गाजियाबाद का नाम तो बाद में लूं, पहले यूपी का नाम ले दूं। यूपी में ढाबा है, यूपी में ढाबा है, लेकिन उसके कपड़ों को, उसके पहनावे को देख करके लगता है वो भिखारी है। उसके कपड़ों को देख करके लगता है वो मंगता है। यूपी में ढाबा है, उसके कपड़ों को देख के लगता है कि वो मंगता है। अब आपको मैं इसके बाद अगली घटना बताता हूं क्या हुई है। गाजियाबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल, छोटी छोटी बच्ची, 8-8, 10-10 साल की बच्ची, उनको मेडिकल चेकअप के लिए अपने कार्यालय में बुलाता था और उनके शरीर के साथ में खिलवाड़ करता था, अश्लील हरकतें करता था, बलात्कार किए इसने। अब उन छात्राओं ने दुखी होकर के पुलिस में कंप्लेंट करी, तो ये यूपी की पुलिस पता क्या बोली? ये यूपी की पुलिस, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कोर्ट चले जाओ। अरे थम निठल ले बैठे, ठुल ले तनख्वाह ले रहे हो, यूपी वालों को कह रहा हूं भाई सारे अपने ऊपर मत ले जाइयो। पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे आदमी भी हैं, हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे आदमी है, दिल्ली में, हमारे गुड़गांव में बहुत अच्छे पुलिस वाले, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट होता है और तुरंत एफआईआर दर्ज होती है किसी भी मामले में। जांच की जरूरत होती है तो जांच करते हैं, पॉलिटिकल मैटर होता है तो वो परमिशन लेते हैं, आगे डीए की परमिशन लेते हैं, संविधान के तरीके से चलते हैं। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है भाई? हाँ, तुम फालतू की निठल्ले तनख्वाह ले रहे हो और कहते हो कोर्ट चले जाओ। आखिर में परेशान होकर के उन छात्राओं ने, वो मासूम मासूम गुड़िया, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो मासूम गुड़िया जो एक उम्मीद के साथ में स्कूल में जाती है, शिक्षा के मंदिर में जाती है, शिक्षा लेने के लिए जाती है, वहां पर प्रिंसिपल उनके साथ में गंदी हरकतें करता है। और उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लगा देता हूं भाई, नाम के आगे श्री भी और जी भी, माननीय भी ना, तो नू कहेंगे भाई सीएम का अपमान कर रहे हैं। सीएम का मैं कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं बहुत इज्जत करता हूं सीएम की, सीएम के पद की भी बहुत इज्जत करता हूं, ठीक है। आप ये देखिए, खून से चिट्ठी लिखती है वो मुख्यमंत्री के नाम, खून से, अपने ब्लड से चिट्ठी लिखती है। ये हालात है। और हापुड़ में क्या हुआ भाई, तीसरी घटना बता रहा हूं, जो मेरे YouTube चैनल के साथी है ना, अगर मेरी इस वीडियो को लगाए तो तीन पार्ट में लगाना, राजस्थान की घटना को लेकर के लगाना और यूपी में जो मैंने आपको गाजियाबाद की घटना बताई है इसको लेकर के लगाना, तीसरी घटना मैं आपको हापुड़ की बता रहा हूं उसकी घटना की अलग तीन वीडियो लगाना। यूपी के हापुड़ के अंदर जो न्याय का मंदिर होता है, न्यायालय होता है, न्यायालय में घुस करके, न्यायालय परिसर में घुस करके वकीलों के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है यूपी पुलिस वालों ने। भूल गए क्या? क्या वो लोग 30,000 को, दिल्ली के 30,000 को भूल गए? कैसे ठोके थे वकीलों ने, ठोके थे। अरे यूपी के मेरे भाइयों, मेरे वकील भाइयों, आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? हाँ, आपने जवाब नहीं दिया गया क्या? आपसे दिल्ली का वाकया याद कर लो, 30,000 का किस तरह ठोका गया था इनको, बढ़िया ठोका गया था। अगर ये फालतू बोलेंगे तो ठोके भी जाएंगे अच्छे तरीके से। अब आपको मैं एक बात बता दूं, वकील, न्याय न्याय प्रक्रिया का एक मुख्य स्तंभ होता है, वकील न्याय प्रक्रिया का एक मुख्य स्तंभ होता है। लेकिन यह न्याय प्रक्रिया बिल्कुल ही क्षीण होती जा रही है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का अपमान किया जा रहा है और कोई भी कोर्ट जो है इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा भाई। क्यों? यूपी के पुलिस वालों को कहता हूं, इतना ज्यादा अकड़ में आने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने लाठीचार्ज किया और जिसके आदेश पे किया है, जिस अफसर के आदेश पे किया है, जो वहां के ऑफिसर है, इतनी अकड़ में आने की जरूरत नहीं है। 30,000 कोर्ट का इतिहास उठा करके देख लेना, 30,000 कोर्ट का, दिल्ली में 30,000 कोर्ट है, उसका इतिहास उठा करके देख लेना।
क्या हुआ था। और नहीं तो फिर यूपी में भी वकीलों की पावर कम नहीं है। ये वकील एकता जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा भाई, वकील एकता जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, कानून विशेषज्ञ हूं, कानून को जानता हूं, कानून की पढ़ाई करी है मैंने। वकील एकता जिंदाबाद की बात करूंगा। क्यों बेइज्जती करा रहे हो भाई यूपी के वकीलों, यूपी के अधिवक्ताओं, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? जवाब नहीं दिया गया थारे तय? जो हापुड़ के अंदर यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, बुरे तरीके से पीटा है हमारे वकील भाइयों को। गुंडा राज चलेगा क्या यूपी के अंदर? गुंडा राज चलेगा? जो न्याय प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है वकील, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब बता रहा हूं मैं, जब जब जरूरत होना नवाब सतपाल तंवर की, बता देना। पूरे के पूरे भारत में, एक राज्य की बात नहीं करूंगा, एक जिले की बात नहीं करूंगा, आवाज लगा देना, आवाज। पूरे भारत में जितने भी जिला कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है, सबके अंदर हड़ताल करवा दूंगा, हड़ताल, काम ठप करवा दूंगा। भारत के सारे कोर्ट के अंदर, जिला न्यायालयों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, बार एसोसिएशन जितनी भी है ना, सारे भाई हैं अपने, चाहे चाहे बार एसोसिएशन के प्रधान अध्यक्ष किसी भी जात बिरादरी से हो, फर्क नहीं पड़ता है, पूरे के पूरे न्यायालय के अंदर हड़ताल करवा दूंगा, काम ठप करवा दूंगा, वर्क सस्पेंड करवा दूंगा। एक बार याद कर लेना अपने भाई को, यूपी के वकीलों को कह रहा हूं, वकीलों की बेइज्जती मत कराओ, तुम्हारा खून उबार नहीं मारता क्या? एक न्यायपालिका का अहम हिस्सा है वकील, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? इस जो ये घटना हुई है, इस घटना को जो हापुड़ हापुड़ जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि न्यायालय के अंदर पुलिस के ऊपर मामला दायर करवाएं, पुलिस में ही एफआईआर दर्ज करवाएं। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज कर दिया भाई? गुंडा राज चलेगा क्या यूपी में? गुंडा राज चलेगा? और ये कोई चमचागिरी वाला काम नहीं है भाई। वकीलों, साफ कह रहा हूं, किसी ने अगर चमचागिरी करनी है ना वकील भाइयों, तो अपने घर बैठियो या चुपचाप अपना काम धंधा करो, पैसा कमाओ, क्लाइंट से फीस लो, उसका काम करो। लेकिन अगर वकील एकता की बात करनी है, तो वकील एकता के लिए खड़े भी होना पड़ेगा। पूरे के पूरे भारत के अंदर इतनी ताकत रखता हूं मैं कि पूरे के पूरे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे, और सारे जिला न्यायालय सबके अंदर वर्क सस्पेंड करा दूंगा, वर्क सस्पेंड। एक बार आवाज देना अपने भाई को, आप इतनी पावर रखते हैं। और मैं भारत के न्यायालयों की तो बात क्या करूं, इंटरनेशनल कोर्ट तक में भी ताकत रखता है आपका भाई, वहां की भी ताकत रखता है। जब मर्जी जब याद कर लेना, लेकिन वकीलों की एकता बनाओ, एकता मेजोरिटी बनाओ, मेजोरिटी। चमचागिरी करने वालों को साइड करो, ये वकील एकता की बात है। वकीलों के स्वाभिमान पर आ चाहिए आज, आज वकीलों के आत्मसम्मान पर आ चाहिए। कैसे बर्दाश्त करें भाई, कैसे बर्दाश्त करें? मेरे तो दर्द हुआ भाई, क्योंकि मैंने भी कानून की पढ़ाई करी है, मैं भी एक कानून विशेषज्ञ हूं, पूरे संविधान की पढ़ाई करी है, पूरे कानून की पढ़ाई करी है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ सारा पढ़ा है हमने, मैट्रिमोनियल, फैमिली लॉ सारा पढ़ा है हमने, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ सारा पढ़ा है हमने, इंटरनेशनल लॉ सारा पढ़ा है हमने, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारा पढ़ा है हमने। कैसे चलेगा भाई ये काम? ऐसे नहीं चल पाएगा। वकील एकता की बात कर रहा हूं, वकील एकता की, कि वकीलों जाग जाओ, जाग जाओ मेरे वकील भाइयों, जाग जाओ। आज हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे स्वाभिमान पर बात आई है, कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? हड़ताल करो सारे कोर्ट के अंदर, हापुड़ कोर्ट में तुम शुरुआत करो, यहां से मेरी, मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा। सारे के सारे कोर्ट के अंदर हड़ताल होगी, आप एक बार याद तो कर लेना, वर्क सस्पेंड हो जाएंगे सारे कोर्ट में, जिला अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये हमारा, इसको कोई दबा नहीं सकता, लाठी मार के नहीं दबा सकते। ये लाठी लोकतंत्र पर चली है, ये लाठी न्यायपालिका पर चली है, ये लाठी वकीलों पर नहीं चली, ये लाठी न्यायपालिका और लोकतंत्र पर चली है, ये लाठी भारत के संविधान पर चली है। जो हापुड़ में हुआ है, भयंकर लाठीचार्ज हुआ है भाई। अगली मुलाकात होगी साथियों, जल्दी इस आवाज को सभी तक पहुंचाओ भाई, शेयर करके घुमा दो पूरे के पूरे भारत में, पूरे भारत में घुमा दो, शेयर टू ग्रुप करो वीडियो को।
अगली मुलाकात जल्दी करूंगा, और मैदान में आपके भाई आने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरे देश में नजर आएंगे, पूरे देश में आपके भाई नजर आएंगे अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत जल्दी। साथियों क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद।